हाँ जी मित्रों, कैसे आप सभी लोग? भाई मैं हूँ निकुल भाई और आज मेरे पास YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों बढ़ते हमारे न्यूज की तरफ और भाई बात कर लेते हैं एलविश यादव और भाई फुकरा इंसान के बारे में। तो भाई इन दोनों का बहुत ही एक डेंजरस लफड़ा हो गया है दोस्तों। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि राधिका और भाई अनंत अंबानी की वेडिंग अभी चल रही है, जोरों से और धमाकेदार चल रही है भाई। और उस वेडिंग में भाई 5,000 से ज्यादा भाई करोड़ का खर्च आ चुका है। बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल से सिंगर भी आए, स्पोर्ट्स भी आए, जैसे कि जस्टिन बीबर, रिहाना, जॉन सीना, भाई मार्क जुकरबर्ग, भाई इंस्टाग्राम के मालिक, व्हाट्सएप के मालिक, फेसबुक के मालिक, सब लोग वगैरह आ चुके हैं अंबानी की वेडिंग में, मतलब कि दोस्तों अनंत अंबानी की वेडिंग में। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जो भाई बुकरा इंसान है भाई वो एक ट्वीट करते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि अंबानी की शादी में खर्च हुए 5,000 करोड़ से ज्यादा, कल्पना कीजिए कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और स्वास्थ्य देखभाल का खर्च वन भी नहीं कर सकते, उनकी जान बचाने के लिए इतनी धनराशि की खर्च की जा रही है। और ये ट्वीट देखने के बाद भाई बहुत सारे लोग भाई फुकरा इंसान को भाई एक टैग करते हैं और उसका भाई घर दिखाते हैं कि आपने भी 25 करोड़ का भाई घर बनाया था, उसका क्या कहना है आपके बारे में, ऐसा सब कुछ लोग कह रहे थे। फुकरा इंसान को भी ट्रोल कर रहे थे काफी ज्यादा लोग। तो भाई एलविश यादव भी इसके अंदर आ जाते हैं और वो एक ट्वीट करते हैं और भाई फुकरा इंसान को ये कहते हैं कि जो पैसा कमाए आगे उसकी मर्जी, कुछ भी करे, कितना सिंपल है। ये सब कॉन्ट्रोवर्सी दोस्तों देखने के बाद भाई लक्ष्य चौधरी ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि देखो अभिषेक मलान मैं तो नहीं सहता, और भाई फुकरा इंसान भाई इस पर रिएक्ट करते हैं और वो एक फिर से भी ट्वीट करते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि देखना बहुत हास्यपद है कि कुछ लोग घर खरीदने और उस पर पैसा खर्च करने के बीच अंतर नहीं जानते, विवाह पीआर। और इस ट्वीट पर लक्ष्य चौधरी भी रिप्लाई करते हैं और वो एलविश यादव को टैग करते हुए कहते हैं देखो भाई एलविश यादव भाई वो तुम्हें बोल रहा है। तो भाई लक्ष्य चौधरी इन दोनों को भी लड़ाने की कोशिश कर रहा था। आप या कुछ सोचते इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में दोस्तों मुझे कॉमेंट करके भाई दोस्तों जरूर बताना। अगर हम भाई लक्ष्य चौधरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो भाई क्या लक्ष्य चौधरी बिग बॉस में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर उसने भी साफ खुलासा भी कर लिया है। मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए। और जो लोग कह रहे हैं भाई तू बिग बॉस में जा रहे हैं क्या, जा नहीं रहा है तो क्यों नहीं जा रहा? देखो यार मैं बिग बॉस में चला जाता अगर बिग बॉस के सीजन इतने फ्रीक्वेंटली ना आया करते। अब तो बिग बॉस के टोटल सीजन इंडिया के टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ओवरटेक करने वाले हैं। जितनी जल्दी जल्दी बिग बॉस के सीजन आ रहे हैं हर एक इंडियन को दो दो बार खेलने का तो मौका मिल ही जाएगा। पहले बिग बॉस से निकलने के बाद लोगों के करियर बनते थे, अब 7-8 लोगों के करियर मिलकर बिग बॉस को चला रहे हैं। यू नो बिग बॉस में इस बार एक अच्छी बात हुई कि अंदर खेल रहे कंटेस्टेंट के फेक फॉलोअर एक्सपोज हो गए। जितने इन्फ्लुएंसर्स बिग बॉस के घर में अंदर हैं अगर आप उनके टोटल फॉलोअर्स काउंट कर लो ना तो इंडिया प्लस चाइना की पॉपुलेशन भी कम रह जाएगी नंबर्स में। और तुम फिर टीआरपी देखो कहां है ये फॉलोअर, लग रहा है सिर्फ बेचने वाले के पैनल में रह गए। इस शो में एक लेजेंडरी एक्टर रणवीर जी भी आए हैं। काफी लोगों को लग रहा है कि वो ये शो खेलने आए हैं पर खेल क्यों नहीं रहे। अरे भाई क्यों खेलेंगे भाई, वो जो खेलने नहीं आए वो रिहैब में आए हैं। रणवीर भाई बिग बॉस के घर में नहीं, नशा मुक्ति केंद्र में है। रणवीर भाई अपने शराब के नशे से इतने परेशान थे कि बिग बॉस के घर में आके उन्होंने शराब छोड़ दी, सुट्टे की हेल्प से, चेन स्मोकिंग की हेल्प से। वड़ा पाव गर्ल एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मोहल्ले की लड़ाई करने वाली आंटियां अक्सर समाज के चार लोगों के बीच में बिल्कुल चुप बैठ जाती। तो भाई यहां पर भाई बिग बॉस वाले कंटेस्टेंट को भाई लक्ष्य चौधरी ने रोस्ट कर दिया है और अभी साफ साफ कह दिया है कि लक्ष्य चौधरी ने भाई वो बिग बॉस के अंदर नहीं जाने वाले हैं। अब क्यों नहीं जाने वाले वो तो मुझे नहीं पता। भाई बढ़ते हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं आजाद खान और भाई कैरी मिनाटी की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो भाई सारे यूट्यूबर्स भाई कैरी मिनाटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को शायद पता होगा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर भाई बहुत समय से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। तो भाई थगिस थोड़ा भाई इनडायरेक्टली आजाद खान को थोड़ा सा फनी मोमेंट में समझाते हैं और बहुत काफी प्यार से समझाते हैं। उसने क्या कुछ कहा है आजाद खान को, कैरी मेरे को रोस्ट किया था और ही बोलते मेरे फैन लोग भाई ये हर बीच में हाथ नहीं डालने बोलता हूँ मैं, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में चूहा सांप भी होता है। बस भाई मैं इजाज़ खान को क्या बोलूं भाई, मेरे को क्लाउन लगता है, एक नंबर का क्लाउन कसम से भाई। मतलब तुम अगर किसी कोई अपने तुम सोशल मीडिया पे रिप्लाई दो, तुम सोशल मीडिया पे रिप्लाई तो दे नहीं पाए उस पॉइंट पे, है ना। तुम फिर कहीं पे कोई बंदा अकेला घूम रहा है, कहीं पे कोई बंदा फैमिली के साथ घूम रहा है, तुम उसको पकड़ के मास्क वास्क उतारोगे, ये कूल नहीं है ना भाई। फिजिकल होना अलग बात है, ओके। अगर यही कैरी भी अगर 6 बंदों के साथ घूम रहा हो, 5 बंदों के साथ घूम रहा हो तो भी ये कर सकता है। तो बात यही है कि अगर तुमको सॉरी और ही बुलवाना, चलो ठीक है तुमको बुरा लगा, लेकिन तुमको फिर वो सॉरी बुलवा के तुमको सोशल मीडिया पे डालना है, उससे लेनी है ना। तो दोस्तों बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ और भी बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो भाई क्या मिस्टर बीस्ट फेक वीडियोस बनाते हैं? तो भाई इस चीज को भी रिवील किया है यूट्यूबर मेसेना पनवी ने। वो कहती है कि भाई मिस्टर बीस्ट फेक वीडियो बनाते हैं, वो कोई भी रियल वीडियो वगैरह नहीं बनाती है। यूट्यूबर रोशना पनवी ने मिस्टर बीस्ट पर नकली वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। यह वह लड़की है जो मिस्टर बीस्ट द्वारा लुक्का छुपी वाले वीडियो को संबोधित करने के बाद पागल हो गई थी। जब मेरे लिए कोई नई नहीं है, एरोक को अंधिकस वीडियो में नकल करते हुए पकड़ा गया था।
तो दोस्तों इन सब चीज को देखकर भाई एक जैक फ्रैकिन भाई है जो वो मिस्टर बीस्ट का दोस्त ही है, वो भी ट्वीट करता है और वो कहते हैं मिस्टर बीस्ट के साथ मेरे 2 साल के कार्यकाल में हमने कभी भी नकली वीडियो नहीं बनाए, उनमें बहुत सारा खून पसीना और आंसू बह गए हैं, आश्वस्त कर सकता हूं कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दोस्तों ये गलत है यार, किसी के ऊपर भी आप कैसे ऐसे दबाव डाल सकते हैं और किसी को भी फेक वीडियो बनाने का ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ये पूरा गलत है। तो दोस्तों बढ़ते हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भाई लक्ष्य चौधरी ने भाई सारे यूट्यूब कंटेस्टेंट को भाई रोस्ट कर दिया है, क्योंकि भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री उसको भाई नहीं मिली है, वो क्यों नहीं मिली वो तो नहीं पता, लेकिन आप ये लोग क्लिप देखिए दोस्तों, उसने भाई सारे बंदों को भाई ट्रोल कर दिया और भी रोस्ट भी कर दिया। 30 किलो वजन ज्यादा हो जाए और हाइट 3 फुट कम हो जाए और दिमाग और पर्सनैलिटी बस सेम रहे, वो एजाज खान। पहली बात तो भाई तू कभी इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं कि कैरी तेरे पे रोस्ट बनाता, ये खुद को एक्टर बोलता है। हाँ, इसको भी बॉलीवुड में उतना ही काम मिला है जितना कि आप में से सबको मिला होगा। भाई मैंने तो सिर्फ सुना था कि आप चूरन बेचते हो पर खुद भी लेते हो, इस क्लिप के बाद पता चला मुझे। ए कैरी बाबा, गाली वाली मत दे मेरी जान, ठीक है, लव यू, अपना ख्याल रख, अच्छा कर रहा है। ये क्लिप 4 साल पुरानी है, एजाज खान जब 4 साल पहले कैरी का फैन था तो अब ये क्यों बोला कि 4 साल पहले कैरी ने तुझे रोस्ट किया था। भाई यादाश, कैरी ने तुझे कभी रोस्ट किया ही नहीं, फिर वो देख दिल का कितना अच्छा है कि तेरे साथ वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, सॉरी बोल के चला गया। और वो जो कटारिया के कुत्ते भोंक रहे ना, जो मुंबई हमारा ही है और तुमको नाम बनाने के लिए मुंबई आना ही है बेटा। कैरी ने मुझे रोस्ट किया है, कैरी ने मेरे फैंस तो है ही नहीं, मेरे घर वालों को सॉरी बोल दे, मेरे लोगों को सॉरी बोल दे। भाई इतनी इंपॉर्टेंस खुद को देना बंद कर दो, उसने कभी रोस्ट किया ही नहीं, तुम इतने इंपॉर्टेंट कभी थे ही नहीं, अभी भी नहीं हो, मैं भी ट्रिम कर दूंगा एक हफ्ते बाद ये पार्ट। और कैरी ने जिस तरह रिएक्ट किया ना भाई, इससे मैच्योर रिएक्शन इस चीज का हो ही नहीं सकता, मतलब कोई इस चीज को इतने मैच्योरली हैंडल कर ही नहीं सकता था। कुछ चिंटू मिंटू कह भी रहे हैं कैरी डर गया, कैरी डर गया। भाई एक बड़ा फेमस कोट है, डोंट रेसल विद पिग, यू विल बोथ गेट डर्टी एंड द पिग लाइक्स इट। इन लोगों के पास ना इमेज है, ना फेम है, ना पैसा है, कुछ नहीं है इनके पास खोने को। कैरी के पास बहुत कुछ है, इतना बड़ा फ्यूचर है, इतना बड़ा प्रेजेंट है, इनके जैसे तो 100 लोग 200 लोग हर सेकंड हर मिनट उसको हार्म करने के लिए आएंगे, तो भाई हर किसी से मुंह मारता थोड़ी फिरेगा। और ठीक है भाई, तेरे को सॉरी बुलवाना, सॉरी भाई जान छोड़ चल। तो भाई बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, अभी बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो भाई क्या ध्रुव राठी के अगेंस्ट भाई एक कंप्लेंट करा दिया गया? वेल गाइस, आज उनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आए कि भाई ध्रुव राठी एक पोस्ट किए थे ऑन लोकसभा स्पीकर, जिसकी वजह से भाई साइबर पुलिस ने उसके ऊपर भाई ध्रुव राठी के ऊपर भाई केस रजिस्टर कर दिया। हां गाइस, एलिजेंटली इधर बताया जा रहा है कि ध्रुव राठी की तरफ से एक ऐसा ट्वीट आया था जहां पर भाई वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला डॉटर के बारे में ट्वीट किए थे कि वो बिना यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए बिना आईएएस बन गए। अब जैसे ये न्यूज वायरल होने लगी और भाई आर्टिकल वायरल होने लगा तो लोग बोलने लगे ध्रुव राठी को अरेस्ट करना चाहिए, वो ऐसे फेक पोस्ट कैसे कर सकते हैं। बट गाइस लेट मी क्लेरिफाई कि ये ध्रुव राठी की तरफ से भाई ये ट्वीट नहीं था, ध्रुव राठी की एक पैरोडी की अकाउंट से भाई एक ट्वीट था, इसलिए भाई लोग कंफ्यूज होके जा रहे हैं। जैसे ही पैरोडी अकाउंट पर भाई कंप्लेंट रजिस्टर हुआ, वो उन भाई सारे ट्वीट को भाई डिलीट कर दिए। फिर ध्रुव राठी एक ट्वीट करते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि मैंने सारे पोस्ट को भाई डिलीट कर दिया और मैं अंजलि बिरला से भी सॉरी मांगना चाहता हूं, एंड मैंने किसी और के ट्वीट्स को भाई कॉपी करके भाई मैंने डाल दिया था अपने अकाउंट के ऊपर, लेकिन वो ध्रुव राठी पैरोडी अकाउंट था दोस्तों, वो रियल ध्रुव राठी का अकाउंट नहीं था। तो गाइस बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ और भी बात कर लेते हैं ट्रिगर इंसान एंड भाई आशीष चंचलानी के बारे में। तो भाई इन दोनों का एक कोलैब वीडियो आने वाला है। जी हां गाइस, कल पे ट्रिगर इंसान ने एक पोस्ट किया था, ट्रिगर इंसान भाई कैप्शन में लिखे विद ओजी हिमसेल्फ एंड ब्रैकेट में लिखे मस्ती वीडियो आ रही है इनके साथ। और हां दोस्तों भाई अभी खबर आई है कि भाई ट्रिगर इंसान ने भाई एक वीडियो पोस्ट कर दिया था। जी हां गाइस, अभी मेरे को पता चला है कि भाई ट्रिगर इंसान ने वो वीडियो पोस्ट कर दिया है। मैं आप लोगों को 1 मिनट की क्लिप दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए ट्रिगर इंसान और आशीष चंचलानी ने सारे यूट्यूबर के साथ प्रैंक कर दिया, जैसे कि कैरी मिनाटी, अभिषेक मलान। आप लोग ये वीडियो देखिए दोस्तों, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। हम लोग प्रैंक करने वाले हैं, सबसे पहले ड्रम रोल, मिस्टर अभिषेक मलहोत्रा जो आजकल टी सीरीज पे गाने वाने कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं एक्सट्रीम करने वाला हूँ, अभिषेक मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आई लव हिम, मैं उसके साथ थोड़ा सा घिनौना प्रैंक करने वाला हूँ, उसको डराने वाला। तो आप उससे खुद ही बन के बात करने वाले हो? हाँ। तो फिर मैं कर देता हूँ। कॉल करने से पहले तो उसको सब इतना बोलना कि भाई हुआ था क्या हुआ? अरे वो आशीषा है यार, जब से नाराज बैठा है मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है। फिर मैंने 2-3 बार पूछा तो इग्नोर किया, मेरे को भी बुरा लगा, तो मैं फाइनली जाके कन्फ्रंट किया, तो मेरे को बोला अभिषेक के बारे में कुछ किया है क्या? ठीक है। मैंने बोला क्या किया है, मेरे को भी नहीं बता रहे, बोलते मैं डायरेक्ट अभिषेक से बात करूं। डन, ठीक है, चलो नहीं करते, मजा आएगा, मजा आएगा, ये तो अच्छा लग रहा है। कैरेक्टर ले लो एक सेकंड, ले ले ले। अरे इसकी नाक के आगे कुछ लगा हुआ है भाई, नाक में जा नहीं रहे है। वेरी नाइस, ओके आई एम रेडी। हेलो, यस ब्रो, यार एक बात बता मुझे।
कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? ये तूने आशीष भाई के बारे में कुछ बोला है क्या कहीं पे कुछ? मैं क्या बोलूंगा भाई उनके बारे में? अरे यार, सो बेसिकली वो ना मेरे साथ अभी ऐसा उनका शूट था, तो वो शूट पे आए हैं एंड ही वाज नॉट टॉकिंग टू मी। वो बिल्कुल ही ऐसा इग्नोर वगैरह कर रहे थे, तो मैंने 2-3 बार बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बिल्कुल ही ऐसा इग्नोर सा कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने ऐसा डायरेक्टली कन्फ्रंट कर दिया कि कुछ हुआ है क्या। वो कह रहे हैं अभिषेक ने सही नहीं किया है। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है भाई। मैं थोड़ी कुछ बोलूंगा उनके बारे में, वो गायब भी रहते, मैं क्या बोलूंगा उनके बारे में। ये कुछ बोल दिया होगा, गायब रहे ये वो और क्या भाई यार तेरे। तो भाई बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ पर भी बात कर लेते हैं इमरान हाशमी के बारे में। तो भाई इमरान हाशमी का एक सुभान मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ। तो दोस्तों इमरान हाशमी से भाई अवार्ड्स वगैरह में पूछा गया, तो वहाँ पर वो इमरान हाशमी ने भी एक्सपोज कर दिया जो भी अवार्ड शो होते हैं, थिएटर शो, भाई आप खुद देख लीजिए दोस्तों। फिल्म फेयर वालों को आपसे बहुत मोहब्बत रही है। अच्छा, शुरुआती दौर में आपकी फिल्में अच्छी आती तो बुलाते नहीं थे, फिर गैंगस्टर आई, नॉमिनेट हुए, फिर कहीं और चला गया। तो कभी आपका अवार्ड शो को लेकर नजरिया क्या अभी आपका? क्योंकि बहुत सारे कंगना को 8 मिले थे, कंगना ने बाद में कहा कि बकवास होता है क्योंकि मिलना बंद हो गया फिर उसके बाद। नहीं, मेरे पहली फिल्म से लेकर मुझे एक अवार्ड मिला था, आई थिंक स्टारडस्ट का था, आई फॉरगेट, वो था मर्डर के लिए मुझे मिला था, अवार्ड सेरेमनी के लिए गया था। एंड फिर उसके बाद मुझे इस चीज का जो एक वैल्यू पता चली कि इसके पीछे गेम क्या है, अगर आप अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक इट्स एसेंशियली अ बार्टर डील। हाँ, शाहरुख खान सलमान दोनों ने बताया कि बार्टर डील। सलमान ने कहा था हम तो दरवाजे का वो रखते थे। अभी मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि यू नो ये अच्छा नहीं है, एंड यू नो आई वोंट डिस आउट अवार्ड्स। जिन लोगों को अपना लिविंग रूम सजाना है वो करे, वो जाके परफॉर्म करके। मुझे उस वक्त के बाद लगा कि यार मैं आई कांट पैट माई सेल्फ ऑन द बैक एंड से कि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि ये झूठ बात है। इसमें एक ऑनेस्टी होनी चाहिए ना। अवार्ड इसलिए मिला है आपको क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो फिर अवार्ड का फायदा ही क्या अगर एक बार्टर डील है। तो भाई बढ़ते हमारे लास्ट न्यूज की तरफ और भी बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना भाई आए हैं अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में। जी हाँ गाइस, वहां पर भाई जब भाई जॉन सीना एयरपोर्ट से आ रहे थे, बहुत सारे पापराजी भाई जॉन सीना को जॉनी बाबू बोल रहे थे, जॉनी काका बोल रहे थे, आप खुद देख लीजिए दोस्तों। जॉन, अरे जॉन बाबू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।